बुधवार को राजस्थान बोर्ड ने 12वीं क्लास के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोनों स्ट्रीम में लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बोर्ड की तरफ से इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड पिछले 5 सालों से मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहा है। 5 साल पहले उसने टॉपर्स का ऐलान करना बंद कर दिया था, ऐसे में इस बार भी टॉपर्स का ऐलान नहीं किया गया है। ये जरूर बताया गया है कि कौन से जिले का रिजल्ट अच्छा रहा है। बोर्ड ने पिछले 5 सालों से परिणाम के साथ मेरिट लिस्ट जारी करने की परंपरा को बंद कर दिया है। इसके पीछे बोर्ड का मानना है कि परिणाम जारी करने के बाद जो मेरिट लिस्ट जारी होती है वो अस्थायी होती है और कई छात्र अंकों से संतुष्ट नहीं होने पर पुनः मूल्यांकन या फिर पुनः गणना के लिए आवेदन करते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार अंकों में बदलाव होता है, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में भी बदलाव हो जाता है। लिहाजा बोर्ड अब परिणाम जारी होने के बाद, पुनः गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप से पहले 3 स्थानों के नाम जारी करता है और अपने स्थापना दिवस यानी कि 1 अगस्त को होने वाले दीक्षांत समारोह में इन मेरिट वाले छात्रों का सम्मान किया जाता है। आपको बता दें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया है। इस साल साइंस का रिजल्ट 96.53% रहा है, जबकि कॉमर्स में 97.53% छात्र पास हुए हैं। सीकर और नागौर का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है, यहाँ रेगुलर और प्राइवेट दोनों के 98.30% छात्र पास हुए हैं। सबसे खराब प्रदर्शन सिरोही जिले का रहा है, सिरोही में 92.10% छात्र पास हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।